दिस इज निखिल मौर्य और आज हम आए हैं तलेगांव लोकेशन पे, जो कि हार्डली आपको 25-30 मिनट डिस्टेंस पे है पुणे सिटी से। काफ़ी वेल नोन लोकेशन है और यहाँ का मार्केट भी काफ़ी डेवलप है। आज यहाँ पे मेरा आने का पर्पज़ है यहाँ के एक ब्यूटीफुली लोकेटेड प्रोजेक्ट के रिव्यू करने, जो कि कंप्लीट रो हाउस का प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप जानते हो कि आप प्रॉपर्टी ड्रोन में मैं मैक्सिमम आपको रो हाउस प्लॉट्स विलास के प्रोजेक्ट के काफ़ी रिव्यू करता हूँ, तो उसी के सीरीज़ में मैं आज आपके सामने फिर से एक रो हाउस का प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुली लोकेटेड है तलेगांव इस लोकेशन पे। सो जो भी लोग पीसफुल लोकेशन देख रहे हैं, वेल कनेक्टेड लोकेशन देख रहे हैं, जो भी लोग अपना इन फ्यूचर रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं पुणे के आसपास या फिर पुणे के आउटस्कर्ट्स में, या फिर जिनका भी वर्क फ्रॉम होम है, हार्डली जिन्हें वंस और ट्वाइस अ वीक ऑफिस जाना होता है, ऐसे लोगों के लिए एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे आप ले सकते हो। एंड नन अदर देन टाटा हाउसिंग इसे बना रहा है, टाटा वैल्यू होम्स इसे कहा जाता है। सो टाटा इज़ अ वेरी गुडविल है उनका, सो उनका ही ये प्रोजेक्ट है। सो इस प्रोजेक्ट का नाम है टाटा सेंस 66। यहाँ पे कंप्लीट 66 रो हाउसेस आएंगे, विच इज़ इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 and 3 BHK ओनली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ के कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स के साथ, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट लैंड पार्सल दिखाऊंगा और साथ में वहाँ का ब्यूटीफुल आपको ड्रोन शूट दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको आजू बाजू की सराउंडिंग्स भी कंप्लीट समझाऊंगा। साथ ही में उसके बाद मैं आपको यहाँ की कंप्लीट कनेक्टिविटी समझाऊंगा, साथ ही में मैं आपको यहाँ का मास्टर लेआउट दिखाऊंगा और उसी के साथ यहाँ का फ्लोर प्लान दिखाऊंगा, और एट द एंड आपको मैं यहाँ के USPs बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ, ये काफ़ी वेल कनेक्टेड लोकेशन पे, जो लोग स्कूल एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नियर बाय आपको 2 इंटरनेशनल स्कूल मिल जाएंगे, जिसमें इडेन इंटरनेशनल स्कूल है, पोदार इंटरनेशनल स्कूल है, वही आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, नॉर्मल आपकी ग्रॉसरीज की चीज़ें हो गई या फिर वेजिटेबल हो गई, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल है। सो इट्स अ क्वाइट अ गुड लोकेशन, जो भी पीसफुल लिविंग चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के डिटेल्स के साथ, सो लेट्स गो। सो अभी हम एक्चुअल लोकेशन पे आए हैं प्रोजेक्ट के। सो सेंस 66 ये कंप्लीट 3.5 एकर्स में प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो कि इस कंप्लीट लैंड पार्सल पे बनेगा। अगर आप आजू बाजू अगर देख रहे हो तो ये कंप्लीट ब्यूटीफुल एलिवेशंस के जो 2 प्रोजेक्ट है, ये टाटा के ही प्रोजेक्ट है। सो दिस इज ला मोंटेना का फेज 1 है, काफ़ी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। और वही ऑन माय राइट साइड ये जो आप फेज देख रहे हो, दिस इज अ फेज 2 ऑफ ला मोंटेना। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे भी डेवलप किया है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन डेवलपमेंट्स इन होल तलेगांव मार्केट। और वही अभी उसके ही एग्जैक्ट सेंटर में यहाँ पे कंप्लीट सेंस 66 प्रोजेक्ट ला रहे हैं, विच इज़ अ रो हाउस प्रोजेक्ट, विच इज़ ऑफ कॉन्फिग्रेशन 2 and 3 BHK कम्प्लीटली। सो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। सो आपको मैं अभी यहाँ का ब्यूटीफुल सराउंडिंग दिखा देता हूँ और साथ ही में हम प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, सो लेट्स गो। चलिए बात करते हैं अभी प्रोजेक्ट के डिटेल्स के बारे में। सो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट 3.5 एकर्स के लैंड पार्सल पे आने वाला है, जहाँ पे ओनली 66 रो हाउसेस आएंगे, विच इज़ ऑफ एक्सक्लूसिव 2 and 3 BHK रो हाउसेस ओनली। जहाँ पे अगर मैं यहाँ के कॉन्फ़िगरेशन, कार्पेट, यहाँ के कॉस्टिंग और यहाँ की नंबर ऑफ पार्किंग की बात करूँ, तो ये सभी चीज़ें आपके स्क्रीन पर डाल देता हूँ, आप सभी चीज़ें पॉज करके चेक कर सकते हैं कि आपको अगर आपके अगर ये बजट में बैठ रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली गिव मी अ कॉल। साथ ही में अगर मैं यहाँ के एमिनिटीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 20+ एमिनिटीज़ आएंगे, जिसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया जैसी कई मॉडर्न एमिनिटीज़ इस कम्प्लीट प्रोजेक्ट में आपको मिल जाएंगी, जो कि 66 फैमिलीज़ के लिए मोर देन इनफ है। और वही अगर मैं पोजीशन की बात करूं, तो इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट पोजीशन अकॉर्डिंग टू द रेरा Jan 2026 है। वही अगर मैं बिल्डर कमिटमेंट की बात करूं, तो 1 ईयर बिफोर यानी Jan 2025 तक ये देने की बात कर रहे हैं। तो ये थी इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स। सो चलिए बात करते हैं अभी इस प्रोजेक्ट के कनेक्टिविटी के बारे में, सो लेट्स गो। तो सबसे पहले अगर मैं कम्यूटिंग की बात करूं, तो यहां का तलेगांव रेलवे स्टेशन यहां से 5 किलोमीटर्स पे है, जो हार्डली 10 मिनट्स पे आएगा। वही चिंजवट रेलवे स्टेशन यहां से 21 किलोमीटर्स पे जाएगा। वही पुणे रेलवे स्टेशन यहाँ से 37 किलोमीटर्स, यानी 1 आवर टेंटेटिव आप पकड़ सकते हो। और वही पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से 41 किलोमीटर्स पे जाएगा। और वही जो अपकमिंग उलवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो यहाँ से 96 किलोमीटर पे आएगा। वही अगर मैं स्कूल, कॉलेजेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ, तो पोदार इंटरनेशनल स्कूल, जो कि तलेगांव में लोकेटेड है, वो हार्डली इस प्रोजेक्ट से 2.6 किलोमीटर यानी हार्डली 7 मिनट्स के डिस्टेंस पे है।
वही ईडन इंटरनेशनल स्कूल 3.4 किलोमीटर्स पे है, वही एम्प्रोज इंटरनेशनल स्कूल 2.8 किलोमीटर्स और वही तलपटे इंटरनेशनल स्कूल 5.7 किलोमीटर्स पे है। यानी आपको ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर के रेडियस में ही सभी यहाँ के स्कूल अच्छे से अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। वही कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो DY पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज 5.3 किलोमीटर्स पे आएगा, वही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी 2.1 किलोमीटर्स पे और वही नूतन महाराष्ट्र विद्या पॉलिटेक्निक 2.5 किलोमीटर्स पे आएगा। वही अगर मैं हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर की बात करूँ तो माउली हॉस्पिटल यहाँ से 4 किलोमीटर्स यानी जस्ट 8 मिनट्स के डिस्टेंस पे आएगा, वही अथर्व एक्सीडेंट हॉस्पिटल 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे और वही पवना हॉस्पिटल 5.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आएगा। वही अगर मैं IT पार्क्स एंड इंडस्ट्रियल जोन की बात करूँ तो तलेगांव MIDC रोड यहाँ से जस्ट 1.4 किलोमीटर्स यानी 4 मिनट्स पे है, मतलब तलेगांव MIDC के लिए जाने वाला रोड यहाँ से सिर्फ 1.4 किलोमीटर्स पे आएगा। वही चाकन MIDC अराउंड 31 किलोमीटर्स यानी 52 मिनट्स पे आएगी, वही तलवाड़ी IT पार्क 21 किलोमीटर्स और वही हिंजेवाड़ी IT पार्क 22 किलोमीटर्स पे इस प्रोजेक्ट से आएगा। सो ये थी यहाँ की कंप्लीट कनेक्टिविटी। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट के मास्टर लेआउट की। जैसे कि आप देख सकते हो ये कंप्लीट मास्टर लेआउट है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट 3.5 एकर्स के लैंड पार्सल पे बन रहा है जिसमें ओनली 66 रो हाउसेस आएंगे जो कि एक्सक्लूसिव 2 and 3 BHK के रो हाउसेस ही रहने वाले हैं। काफ़ी ब्यूटीफुली इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पे इन्होंने रो हाउसेस का प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा किया है और वहीं यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल लैंडस्केपिंग भी ये करके देने वाले हैं। वही यहाँ के एमिनिटीज़ इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड की है ताकि यहाँ पे रहने वाले रेसिडेंट को काफ़ी कन्वीनियंट हो यहाँ की सभी एमिनिटी यूज़ करने के लिए। वही एक पार्ट में इन्होंने क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्लेइंग एरिया जैसी एमिनिटीज़ दी है और वही अनदर पार्ट में इन्होंने बाकी एमिनिटीज़ यहाँ पे दी गई है। सो ये है यहाँ का कंप्लीट मास्टर लेआउट प्रोजेक्ट का। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ का फ्लोर प्लान। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ के कंप्लीट फ्लोर प्लान। सो दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव 2 and 3 BHK रो हाउस प्रोजेक्ट। सो सबसे पहले जो आपको टाइप B1 and B2 दिख रहे हैं ये कंप्लीट आपके 2 BHK के रो हाउसेस हैं जिसे इन्होंने मैग्नीफिको कहा गया है। वही मैग्नीफिको का अगर मैं कारपेट की बात करूँ तो ये कंप्लीट 2 BHK का जो रो हाउस है उसका कारपेट आएगा आपको 1327। इट्स क्वाइट ह्यूज। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कवर्ड कार पार्किंग दी गई है। वही जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करते हो तो आपको ये स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया दिया गया है। डायमेंशन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो और साथ ही में आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही पाउडर रूम भी मिल जाता है और वही साथ में इन्होंने किचन भी यहाँ पे इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे दिया है विथ एल शेप प्लेटफॉर्म एंड अ यूटिलिटी एरिया। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं सो हमें सबसे पहले एक कॉमन वॉशरूम लगता है और उसी के साथ आपका सेकेंड बेडरूम विथ अटैच टेरेस लगता है। उसका भी स्पेस काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया है। सबसे खास USP इस 2 BHK का है यहाँ का मास्टर बेडरूम जो है 9.10 by 13.5 का विथ अटैच टेरेस एंड विथ अटैच वॉक इन वार्डरोब ऑफ 4.5 by 9.10 और उसी के साथ आपको एक स्पेशियस मास्टर टॉयलेट भी मिल जाता है। तो ये है आपका 2 BHK का रो हाउस जिसे मैग्नीफिको इन्होंने कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का 3 BHK का रो हाउस का फ्लोर प्लान। तो चलिए बात करते हैं 3 BHK के रो हाउसेस के बारे में। सो 3 BHK का रो हाउस है उसे इन्होंने अल्टीमो का नाम दिया है और वही 3 BHK के अगर कारपेट की बात करूँ तो यहाँ का 3 BHK का कारपेट ऑलमोस्ट 1899 स्क्वायर फीट का है यानी ऑलमोस्ट 1900 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे 3 BHK का कारपेट मिलता है विच इज़ क्वाइट ह्यूज। सो अगर मैं फ्लोर प्लान की बात करूँ तो टाइप A1 में ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक कवर्ड कार पार्किंग मिलती है और जैसे आप घर के अंदर एंटर करते हो तो आपको ये स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है और ऑन द राइट साइड आपको किचन विद पैरेलल प्लेटफॉर्म एंड अ स्टोर रूम आपको दिया जाता है। वही अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक पाउडर रूम दी गई है ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड उसी के साथ आपको एक बेडरूम भी दी गई है विच इज़ क्वाइट स्पेशियस। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो आपको एक ब्यूटीफुल पैसेज मिलता है जहाँ पे आपको पहली मास्टर बेडरूम है विथ वॉक इन वार्डरोब एंड विथ स्पेशियस टॉयलेट और वही सेकेंड मास्टर बेडरूम की बात करूँ तो उसी के साथ आपको अटैच एक ग्रैंड टेरेस आता है और उसी के साथ काफ़ी स्पेशियस आपको बेडरूम का भी साइज इसमें दिया जाता है। तो और उसी के साथ आपके सेकेंड फ्लोर पे आपको कंप्लीट ओपन टेरेस मिलता है। सो ये है कंप्लीट 3 BHK कारपेट 1899 स्क्वायर फिट क्वाइट स्पेशियस इसे अल्टीमो कहा गया है। वही अगर मैं एलिवेशन की बात करूँ तो अल्टीमो का एलिवेशन कुछ इस तरह से आपको दिखेगा जो कि 3 BHK का रो हाउस है और वही मैं अगर बात करूँ मैग्नीफिको की तो मैग्नीफिको का आपको ऐसा कुछ एलिवेशन आपको दिखेगा। एग्जैक्ट यही एग्जैक्ट पिक्चर आपको दिखने वाला है।
सो चलिए बात करते हैं अभी प्रोजेक्ट के यूएसपीज के बारे में। सो सबसे पहला यूएसपी मैं अगर कहूँ तो ये है कंप्लीट लो डेंसिटी प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव 2 and 3 BHK की रो हाउसेस आ रहे हैं एंड इन 3.5 acres देर आर ओनली 66 रो हाउसेस, उससे ज़्यादा बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। सो इट्स अ कंप्लीट लो डेंसिटी प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी और साथ ही में आजू बाजू भी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट होने के कारण आपको अच्छी लोकेलिटी भी यहाँ पे मिलेगी। सेकेंड, यहाँ पे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, विद इन 2 minutes डिस्टेंस पे आप सीधा ओल्ड पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट कर सकते हो। वही नियर बाय आपको अच्छे स्कूल मिल जाएंगे, अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ का मार्केट काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है तलेगांव का, तो आपको सभी वो बेसिक कन्वीनियंस की चीज़ें भी आसपास ही मिल जाएगी। थर्ड, अगर मैं बात करूँ तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट 55% आपको ओपन स्पेस कंप्लीट प्रोजेक्ट में मिल रही है और साथ ही में इन फ्यूचर यहाँ पे फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा होने वाला है बिकॉज प्रोजेक्ट के जस्ट राइट साइड में ही यहाँ पे अपकमिंग रिंग रोड आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे कई रियल एस्टेट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल प्रॉपर्टी डोंट रियल्टी को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। सो चलिए मिलते हैं अगली प्रॉपर्टी के लिए, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट निखिल मावड़े साइनिंग ऑफ। बाय बाय।